एपिसोड की शुरुआत में हम नाज़ो को उसके घर पर काफी परेशान देखते हैं और वो जिनशी को मैसेज तो करता है लेकिन वो उसे सेंड नहीं कर पाता। पर आखिर में वो उसे ये मैसेज करता है कि जल्दी सो जाना, जो देखकर जिनशी को उस पर और ज्यादा गुस्सा आता है। तो सू उसे समझाती है कि नाज़ो को पता ही होगा कि तुम मेरे घर पे हो, इसीलिए उसने तुम्हें जल्दी सोने के लिए कहा है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जो कि उस कॉपीराइटेड एनिमेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर देती है। अगले दिन जिनशी नाज़ो से बात करने के लिए उसके ऑफिस जाती है, लेकिन वहां वो देखती है कि नाज़ो सो रहा है। तो जिनशी उसे कोट उड़ाकर बोलती है कि अभी तो मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ क्योंकि तुम बहुत ही बेचारे लग रहे हो। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जिनशी को एक कंपनी से कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। वहीं ऑफिस में जब नाज़ो की आंख खुलती है तो जिन उसके पास आकर कहती है कि तुम अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखते, वो तो मैं थी कि जिसने तुम्हें एक कोट उड़ा दिया, और वो उसे जिनशी के यहाँ पर आने के बारे में नहीं बताती। रात में जिनशी नाज़ो को कॉल करके उसे बताती है कि उसे एक जॉब मिल गई है, जो सुनकर नाज़ो उसे कांग्रेचुलेट करता है। तो जिनशी उसे घर जल्दी आने को बोलती है, पर नाज़ो कहता है कि ऑफिस में काफी सारा काम है इसीलिए मैं घर जल्दी नहीं आ पाऊंगा, जो सुनकर जिनशी को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन वो खुश थी कि नाज़ो घर आ रहा है। और कॉल कट करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने नाज़ो को कॉल क्यों किया, क्योंकि उसने तो उससे अभी तक माफी भी नहीं मांगी। फिर हम नाज़ो को ऑफिस में देखते हैं जो देर रात तक काम करके घर के लिए निकल ही रहा था। तो जिन उसे ऑफिस में रेस्ट करने के लिए ही बोलती है क्योंकि थोड़ी देर बाद उसकी लॉयर से मीटिंग थी, पर नाज़ो उसकी बात नहीं सुनता और घर चला जाता है। जहाँ जाकर वो देखता है कि जिनशी उसका इंतजार करते करते सोफे पर ही सो गई है, इसीलिए वो उसके पास जाकर उसे कांग्रेचुलेट करता है और उसकी फॉरहेड पर किस करता है। तभी जिनशी नींद में बड़बड़ाने लगती है कि नाज़ो प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तो नाज़ो उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, और क्योंकि वो उसकी नींद को खराब नहीं करना चाहता था इसीलिए वो उसे ब्लैंकेट उड़ाकर वहीं सोने देता है। अगली सुबह जब जिनशी उठती है तो देखती है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट बना हुआ है, जिससे वो समझ जाती है कि नाज़ो आया है, इसलिए वो भागकर उसके रूम में जाती है। लेकिन वो घर पर नहीं था क्योंकि वो ऑफिस के लिए निकल चुका था, जो देखकर वो थोड़ी अपसेट हो जाती है कि तुम घर पर आए थे और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। पर फिर वो ये सोचकर काफी खुश होती है कि उसने सुबह सुबह उठकर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। जिसके बाद हम नाज़ो को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ उसे पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के बाद जो कंपनसेशन अमाउंट उसे पे करना था वो कंपनी ने थोड़ा कम कर दिया है। और इस चीज को सेटल करने के लिए नाज़ो जियांग को अपनी सारी प्रॉपर्टीज बेचने के लिए बोलता है। तो जियांग बताता है कि इस सबसे भी कंपनसेशन का अमाउंट पूरा नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको अपना घर भी बेचना होगा, जो सुनकर नाज़ो सोच में पड़ जाता है। इसके बाद नाज़ो जिनशी के साथ सुपरमार्केट जाता है, जहाँ वो उसे झूठ बोलता है कि मेरा घर ऑफिस से काफी दूर है इसीलिए मैं इसे बेचकर एक नए घर में शिफ्ट हो रहा हूँ जो कि ऑफिस के पास हो। तो तुम कुछ दिन सू के घर में रह लेना और जैसे ही शिफ्टिंग का काम फिनिश हो जाएगा तब तुम वापस से मूव इन कर लेना। ये सुनकर जिनशी उसकी बात मान जाती है। फिर नाज़ो के पास जिन का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि ऑफिस के पास ही उसका एक घर है जो कि खाली पड़ा हुआ है और अगर वो चाहे तो वहाँ पर रह सकता है, जो सुनकर नाज़ो मान जाता है और बोलता है कि वैसे भी अभी मेरे पास घर देखने का टाइम नहीं है इसीलिए थैंक यू। अगले दिन जिनशी जब नाज़ो की शिपिंग में हेल्प करवाने के लिए आती है तब वो वहाँ पर जिन को देखकर काफी भड़क जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि क्या तुम्हें नाज़ो ने नहीं बताया कि वो मेरे घर पर शिफ्ट हो रहा है, जो सुनकर जिनशी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे उस दिन शावर वाली बात पूछती है, जिस बात का जिन कोई जवाब नहीं देती और सर नीचे कर लेती है ताकि जिनशी को उस पर और ज्यादा शक हो। जिनशी बोलती है कि मैं नाज़ो की गर्लफ्रेंड हूँ इसीलिए तुम्हें मुझे ये बात एक्सप्लेन करनी होगी। तो जिन कहती है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो तो मैं क्या करूँ, तुम उससे दूर रहो क्योंकि तुम हमेशा ही उसे परेशानी में डालती रहती हो और नाज़ो को किसी समझदार पर्सन की जरूरत है बिल्कुल मेरे जैसे जो कि हर प्रॉब्लम में उसका साथ दे। ये बोलकर वो उस कार्टन को जोर से पटकती है जिसमें जिनशी और नाज़ो की फोटोज थी, जो देखकर जिनशी को गुस्सा आ जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींच देती है, पर जिन काफी ड्रामेबाज थी वो जानबूझकर नीचे गिर जाती है। उसी वक्त नाज़ो भी वहां पर आ जाता है जिसे ऐसा लगता है कि शायद जिनशी ने उसे धक्का दिया है, इसलिए वो जिन की साइड लेने लगता है, जो देखकर जिनशी को और ज्यादा गुस्सा आता है और फिर इन दोनों में काफी बहस हो जाती है इसलिए जिनशी वहां से चली जाती है। जिनशी अब सू के घर पर जाकर फिर से उसे सारी बातें बताती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मिस्टर लू जिनशी से मिलता है और उसे उन शेयर्स के बारे में बताते हुए कहता है कि नाज़ो तुमसे सिर्फ इन शेयर्स की वजह से शादी कर रहा है और वो उसे इन शेयर्स के बदले काफी पैसे भी ऑफर करता है क्योंकि वो बिल्कुल भी नाज़ो को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता था। जिनशी बोलती है कि मैं भला तुमसे पैसे क्यों लूं, मैं तो ये शेयर्स नाज़ो को बेच दूंगी। अब क्योंकि जिनशी यहाँ पर उसकी बातों में नहीं आ रही थी तो मिस्टर लू बोलता है कि फिर तुम्हारे मैरिज एग्रीमेंट में ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि अगर तुम उसे कर्जा पे करने में असफल रही तो तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी है वो नाज़ो की हो जाएगी चाहे वो कुछ भी हो, जिसके अंदर शेयर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इस बात का जिनशी के पास कोई जवाब नहीं था इसीलिए वो उठकर वहां से चली जाती है और वो नाज़ो को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है, पर नाज़ो कहता है कि मैं अभी एक मीटिंग में हूँ इसीलिए मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। तो जिनशी उसे मैसेज करके आज मिलने को बोलती है। अब नाज़ो अपना सारा काम खत्म करके ऑफिस से निकल ही रहा था तभी उसके पास जिन आती है और उसे बताती है कि उनकी एक इन्वेस्टर से मीटिंग है, पर नाज़ो बोलता है कि उसे घर जाना है। तो जिन बोलती है कि अगर ये मीटिंग नहीं हुई तो लीग जिंगलिंग रुक जाएगा इसलिए नाज़ो को रुकना ही पड़ता है।
इसलिए वो जिनशी को मैसेज करके बताता है कि वो एक जरूरी मीटिंग में जा रहा है, इसलिए वो नहीं आ पाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि पहले से इन दोनों के रिलेशनशिप की बढ़ती दूरियां जिनशी को काफी परेशान कर रही थी। इतना सब काफी नहीं था कि जिन ने उसके मन में शक भी पैदा कर दिया था, और अभी शेयर्स वाली बात पता लगने के बाद तो बिल्कुल टूट ही गई थी। इसलिए वो एक फैसला लेती है और मैरिज एग्रीमेंट टर्मिनेशन का एक डॉक्यूमेंट बनाकर नानसॉ को मेल कर देती है। नानसॉ जब अपना काम खत्म करके उस मेल को देखते हैं तो वो एकदम शॉक रह जाता है और अपना सर नीचे करके बैठ जाता है। तभी उसके पास जेन आती है जो देख लेती है कि जिनशी मैरिज एग्रीमेंट को टर्मिनेट करना चाहती है। ये देखकर वो काफी खुश होती है और बोलती है कि जिनशी काफी दिनों से तुमसे ऑफिस मिलने के लिए आ रही थी, पर तुम काम में काफी बिजी थे। मुझे तो लगा था कि वो समझ जाएगी तुम बिजी हो, पर ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ही हो गया। ये बोलकर वो नानसॉ के कंधे पर हाथ रखती है और उसे कंसोल करने की कोशिश करती है, पर नानसॉ जिनशी को कॉल करते है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो जिनशी उसे बता देती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के पास वाले मॉल में हूँ। जो सुनकर नानसॉ भागता है और उसे मिलने के लिए जाता है, और ये देखकर जिन को काफी जलन होती है। नानसॉ वहाँ पहुंचकर जिनशी को ढूंढने लगता है जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर थी। तो वो सीढ़ियों से उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जो देखकर उसे डर लगने लगता है। तो जिनशी उसे कॉल करती है और बोलती है कि हम लोग फोन पर ही बात कर लेते हैं। जिनशी उसे कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, और मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती, ना ही खुद अपसेट होना चाहती हूँ। तो नानसॉ बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मुझे इस वक्त तुम्हारी बहुत जरूरत है। जिनशी कहती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हें मेरी जरूरत है, पर मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। पर नानसॉ जिनशी से बात करना चाहता था, इसीलिए वो हिम्मत करके सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश करता है। अब नानसॉ को ऐसा करता देख जिनशी को रोना आ जाता है, और वो समझ जाती है कि जब तक वो यहाँ से नहीं जाएगी तो नानसॉ ऊपर आने की कोशिश करता रहेगा, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। और नानसॉ जिनशी को वहाँ पर ना देखकर सीढ़ियों पर ही बैठकर रोने लगता है। अब जब ये दोनों अपने अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में ये दोनों एक दूसरे के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को काफी ज्यादा याद कर रहे थे, चाहे सोते हुए, टीवी देखते हुए या फिर खाते हुए। अब इनके ब्रेकअप को कुछ दिन बीत चुके हैं और हम नानसॉ को कॉपीराइटेड ओनर से मिलते हुए देखते हैं, जहां वो उनसे कंपनसेशन का अमाउंट कम करने को बोलता है, पर वो ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसलिए नानसॉ लीक जिंगलिंग पर काम रोक देता है। फिर वो जिन से पूछता है कि क्या वो आज रात फ्री है, दोनों डिनर करने के लिए चलते हैं। जो सुनकर जिन एकदम खुश होकर मान जाती है। डिनर पर जिन नानसॉ से कहती है कि तुम्हें अब जिनशी को भूलकर किसी ऐसी लड़की को ढूंढना चाहिए जो कि तुम्हें अच्छे से समझ सके और तुम्हें हर पोजीशन में सपोर्ट करे। पर नानसॉ उसकी बात को रोकते हुए पूछता है कि इतने सालों से तुम हमारी कंपनी में काम कर रही हो, तो फिर तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अब जिनको यहाँ पर पता था कि नानसॉ इस बार में बात कर रहा है, लेकिन वो अनजान बनने की कोशिश करती है। नानसॉ उसे कहता है कि उस एनिमेशन की जांच करना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तो तुमसे ये गलती कैसे हो गई कि वो कॉपीराइटेड है। पर जिन अभी भी अनजान बनने का नाटक करती है। नानसॉ कहता है कि हमारी एक फॉर्मर एम्प्लॉय से मुझे पता चला कि इस एनिमेशन की कॉपीराइटेड होने की इन्फॉर्मेशन उसने पहले ही दे दी थी, जिसे मैं देखना भूल गया था, और तुमने भी इन्फॉर्मेशन मुझसे जान पूछ कर छुपाई, तो सच सच बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिन बोलती है कि ये सब मैंने जिनशी की वजह से किया, क्योंकि जब जिनशी नहीं थी तो तुम किसी भी चीज के लिए मुझ पर निर्भर रहते थे, और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती तो सिर्फ मुझे ही बुलाते थे, लेकिन जब से जिनशी तुम्हारी लाइफ में आई सब कुछ उल्टा हो गया। नानसॉ बोलता है तो क्या तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मुझे अपनी बरसों की मेहनत को रोकना पड़ा। ये बोलकर नानसॉ जाने लगता है, तो जिन उठकर उसे रोक लेती है और बोलती है कि नानसॉ आई लव यू। नानसॉ कहता है कि हमारा रिश्ता बिल्कुल प्रोफेशनल है, और क्योंकि तुमने कंपनी के रूल्स तोड़े हैं, इसीलिए जो भी तुमने किया है वो सब कुछ तुम्हें ही ठीक करना होगा। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन हम नानसॉ को देखते हैं जो कि जिनशी को कॉल करके उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कॉल नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम जिनशी को उसके नए घर में देखते हैं, जहाँ वो भी नानसॉ से बात करना चाहती थी, पर क्योंकि उसे पता था कि नानसॉ पहले कॉल नहीं करेगा, इसलिए वो उसे कॉल करके उसे अपना नया एड्रेस बताती है और कहती है कि तुम एग्रीमेंट टर्मिनेशन के पेपर मुझे यहाँ पर भेज देना। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद हम सू, जुआन और जिनशी को एक साथ में देखते हैं, जहाँ जुआन और सू उसे साथ में लंच करने को बोलते हैं, और जुआन बताता है कि उसका एक दोस्त भी साथ में आएगा, और उनके काफी रिक्वेस्ट करने पर जिनशी मान जाती है। नानसॉ जिनशी से मिलने के लिए उसके नए एड्रेस पर जाता है, पर वहाँ वो देखता है कि जिनशी किसी और लड़के के साथ लंच पर जा रही है। नानसॉ यहाँ पर छुपकर इनकी बातें सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये लड़का जुआन का दोस्त है और ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर वो इनका पीछा करते करते एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है, जहाँ पर ये लोग साथ में लंच करने वाले थे। अब जब जिनशी यहाँ से सू को कॉल करती है तो वो उसकी कॉल पिक नहीं करती, इसलिए वो जुआन को कॉल करके पूछते है कि तुम लोग कहाँ पर हो, पर जुआन कहता है कि हम लोग बिजी है इसलिए नहीं आ पाएंगे, जिससे वो समझ जाती है कि ये इन दोनों का प्लान था उसे एक ब्लाइंड डेट पर भेजने का। इसलिए वो काफी नाराज हो जाती है और चुपचाप टेबल पर आकर बैठ जाती है। तभी जुआन का दोस्त वॉशरूम जाता है, तो नानसॉ भी उसके पीछे पीछे जाता है, जहाँ वो उसे कहता है कि हम लोग पहले मिल चुके हैं,
और उसे जिनशी के बारे में पूछने लगता है कि तुम उसे कब से जानते हो। तो जुआन का फ्रेंड बताता है कि मैं तो उसे बचपन से जानता हूँ। नानजो उससे पूछता है कि क्या तुम उसे पहले से ही पसंद करते हो, तो वो लड़का हाँ बोलता है और कहता है कि वो इतनी क्यूट है और फनी भी, तो उसे कौन पसंद नहीं करेगा, और अगर हम दोनों डेट करेंगे तो अपने रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ा सकते हैं। मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, वो जो चाहे वो कर सकती है। उसकी ये सारी बातें सुनकर नानजो अपसेट हो जाता है और उसे जिनशी का अच्छे से ध्यान रखने को भूल कर वहां से चला जाता है। वॉशरूम से आने के बाद जुआन का फ्रेंड जिनशी को बताता है कि वॉशरूम में मुझे एक आदमी मिला जो कि मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, और उसने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। जो सुनकर जिनशी समझ जाती है कि वो नानजाओ था। वो उससे पूछती है कि वो आदमी कहाँ पर है, तो जुआन का दोस्त बताता है कि वो अभी बाहर की तरफ गया। जो सुनकर जिनशी भी भागते हुए बाहर की तरफ जाती है और नानजो को इधर उधर देखने लगती है, पर तब तक नानजो कार में बैठ चुका था और वहां से गुजरने लगता है, पर जिनशी उसे नहीं देख पाती और अपसेट हो जाती है। जिसके बाद घर जाकर नानजो अग्रीमेंट टर्मिनेशन के पेपर्स को साइन कर देता है, ये सोचकर कि जिनशी तो अब मूव ऑन कर चुकी है और वो लड़का भी उसका अच्छे से ख्याल रखेगा, इसीलिए वो उन पेपर्स को जिनशी के नए एड्रेस पर भेज देता है। एग्रीमेंट पर नानजो के साइन देखकर जिनशी को ये लगता है कि शायद नानजो भी मूव ऑन कर चुका है, पर दोनों एक दूसरे की फीलिंग से अनजान थे। फिर जिनशी एक लॉयर को कॉल करके पूछती है कि उनके फादर के नाम पे जो शेयर्स है क्या वो वैलिड है, तो लॉयर उसे बताती है कि हाँ वो बिल्कुल वैलिड है और वो जैसे चाहे अपने भाई के साथ उन्हें बांट सकती है। तो जिनशी अपने नाम के 5% शेयर्स को नानजो के नाम करके एक लेटर के साथ उसे उसके घर पर भेज देती है, पर नानजो उस पार्सल को खोलकर देखता भी नहीं क्योंकि उसे ये लग रहा था कि जिनशी ने इसके अंदर एग्रीमेंट की कॉपी भेजी होगी, इसलिए वो उसे लॉकर के अंदर रख देता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिनशी को एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसका कॉमिक पैराडाइज स्ट्रीट 19 एक एनिमेशन बनाने के लिए सिलेक्ट किया गया है। जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है और कंपनी में मीटिंग के लिए जाती है। जिनशी जब वहां पर जाती है तब वो वहां पर कुछ एम्प्लॉयज को बात करते हुए सुनती है कि नानजो की कंपनी काफी मुसीबत में है क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स ने अपना इन्वेस्टमेंट उस कंपनी से विड्रॉ कर लिया है। जो सुनकर वो उनसे और इन्फॉर्मेशन बताने को बोलती है, तो वो स्टाफ उसे बताते हैं कि वो कंपनी कॉपीराइट इशू में फंस गई थी और उस इशू को सेटल करने के लिए उस कंपनी के ओनर ने अपनी सारी प्रॉपर्टीज को बेच दिया। जो सुनकर जिनशी काफी ज्यादा अपसेट हो जाती है और सोचती है कि नानजो इतने दिनों से ये सब परेशानियों से गुजर रहा था और मैंने इस कंडीशन में उसे ब्रेकअप कर लिया। अब मीटिंग में जिनशी कंपनी की सीईओ से बोलती है कि वो चाहती है कि ये एनिमेशन नानजो की कंपनी में बने, तो सीईओ कहती है कि अभी उनकी कंपनी की कंडीशन काफी खराब है। तो जिनशी कहती है कि मुझे उस कंपनी के ओनर पर पूरा भरोसा है क्योंकि मैं पहले वहां पर काम कर चुकी हूँ। दूसरी तरफ हम यिन को देखते हैं जो कि नानजाओ की कंपनी में काम करने के लिए मान गया था। फिर नानजाओ को जिनशी की कॉमिक पैराडाइज स्ट्रीट 19 का प्रपोजल मिलता है, तभी यिन उसे आकर कहता है कि हमें जिनशी को कंपनी में बुला लेना चाहिए ताकि हम उसके काम के बारे में और भी चीजें जान सके, पर नानजो कहता है कि हमें इस तरह क्रिएटर को परेशान नहीं करना चाहिए और अभी अभी हमने उसी कंपनी का प्रपोजल एक्सेप्ट किया है। यिन कहता है कि अगर जिनशी यहाँ पर आएगी तो इससे आपका रिलेशनशिप और मजबूत हो जाएगा, पर नानजो उसे बता देता है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। इसी बीच वो सोचता है कि अगर जिनशी यहाँ पर आएगी तो उसे फिर से उसे मिलने का मौका मिलेगा, इसलिए वो मान जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जिनशी वहाँ पर आकर इनसे मिलती है, तो इन्हें से देखकर बहुत खुश होता है और उसे हक करने वाला होता है, लेकिन जियांग उसे रोक देता है और बोलता है कि हमें मीटिंग करने के लिए जाना है। मीटिंग में जिनशी और नानजाओ एक दूसरे से बिल्कुल प्रोफेशनली मिलते हैं और हैंडशेक करते हैं। मीटिंग में जिनशी अपनी कॉमिक के बारे में सबको बताने लगती है, पर नानजाओ उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो तो सिर्फ उसे देख ही जा रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद नानजाओ अपने कैबिन में आकर आर्टिकल्स पढ़ने लगता है कि अपनी एक्स को कैसे मनाया जाए, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तभी वहां पर जियांग आ जाता है जो कि उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है, तो नानजाओ उससे पूछता है कि वो जिनशी को कैसे मनाए। जियांग कहता है कि आप उसे डिनर पर जाने के लिए पूछिए या फिर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कीजिए जिसमें आप दोनों अकेले हो और फिर आप उसे कहीं बाहर जाने को पूछो, पर नानजाओ कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करेगा। तब जियांग उसे कहता है कि शायद मैंने आपको ये नहीं बताया कि जिनशी अपने जूनियर के साथ काफी क्लोज हो गई है, जो देखकर नानजाओ गुस्से से भड़क जाता है और जिनशी को ढूंढने के लिए कैफेटेरिया की तरफ जाता है जहां वो इनको जिनशी के साथ खाते हुए गॉसिप करते हुए देखता है। नानजाओ उनके पास जाकर पूछता है कि वो किस बारे में बातें कर रहे हैं, पर जिनशी उसे बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, जो देखकर नानजाओ को गुस्सा आ जाता है और वो यिन को कहता है कि उठो यहाँ से, 20 मिनट में हमारी मीटिंग है, इसीलिए जल्दी जाकर काम करो। फिर वो जियांग को अपने कैबिन में खींच कर लेकर आता है और उसे पूछता है कि मैं जिनशी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो तो मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रही है। जियांग कहता है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है तो वो आपसे भला क्यों ही बात करेगी। नानजाओ कहता है कि मैं उसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, तो वो कहता है कि तो फिर आपको ब्रेकअप के पीछे का कारण पता लगाना होगा और आपको दिखाना होगा कि ब्रेकअप के बाद आप काफी परेशान हुए और अब आप एकदम बदल चुके हो। फिर नानजाओ जिनशी को कहता है कि कॉमिक के अंदर एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए हमें कुछ कैरेक्टर्स को रिमूव करना होगा।
जिस बात पर जिन्शी भड़क जाती है और कहती है कि उनके बिना कहानी अधूरी है। पर यहाँ नाजा और जिन्शी के बीच काफी फनी बहस हो जाती है और दोनों में से कोई भी चुप होने का नाम नहीं लेता। इसी बीच जैंग के पास नाजाओ की मदर का कॉल आता है जो उससे पूछती है कि नाजा और जिन्शी का रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। तो जियांग उन्हें बता देता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जो सुनकर मदर कहती है कि लगता है मुझे ही आकर सब कुछ ठीक करना होगा। वही मीटिंग खत्म होने के बाद ये नाजाओ के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर आप दोनों का सच में ब्रेकअप हो चुका है तो क्या मैं आप ट्राई कर सकता हूँ। जो सुनकर नाजाओ को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो बोल देता है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है इसलिए मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर इनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पर तभी उसके पास जियांग आता है जो कि उसे ऑफिस रूल्स का बोर्ड लगाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि सारे रूल्स को अच्छे से पढ़ लो। आखिरी रूल में लिखा हुआ था कि एम्प्लॉयज का काम से ध्यान भटके ना, इसलिए ऑफिस के अंदर किसी भी टाइप का रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। जो देखकर यिन कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। अगले दिन हम देखते हैं कि नाजा और जियांग की एडवाइस मानकर जिन्शी को लंच पे लेकर जाता है जहाँ वो उसकी सारी फेवरेट डिशेस को ऑर्डर करता है। जो देखकर जिन्शी सोचती है कि इसे अभी तक मेरी सारी फेवरेट डिशेस याद है। जिन्शी बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी कंपनी इतनी प्रॉब्लम में है और मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहती थी। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहती थी पर तुमने कभी मेरे उस लेटर का जवाब ही नहीं दिया। अब क्योंकि नाजाओ ने वो लेटर नहीं पढ़ा था इसीलिए वो बोलता है कि हाँ तुम मेरी मदद कर सकती हो। जो सुनकर जिन्शी सोचती है कि इसने तो मुझे थैंक यू की जगह कुछ और ही बोल दिया और वो ये बोलकर चली जाती है कि जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो तो बता देना। अब घर जाकर नाजाओ उस लेटर को पढ़ता है जिसमें जिन्शी ने उसे थैंक यू कहा था उसकी हर मुसीबत में साथ देने के लिए और उसमें लिखा था कि अगर वो चाहे तो उसके पास जो गू कंपनी की 5% शेयर है वो उसके नाम कर सकती है। और अब यहाँ जाकर नाजाओ को समझ में आता है कि शायद इस वजह से जिन्शी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि मैं उससे शेयर्स की वजह से शादी करना चाहता था। तभी नाजाओ के पास जिन्शी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि तुम्हारी मदर ने मेरे पास कॉल किया था और वो तुम्हारे पुराने घर में गई थी जहाँ के लोगों ने उन्हें बता दिया है कि तुम अब वहाँ पर नहीं रहते हो और उन्होंने मदर को तुम्हारा नया एड्रेस भी दिया है। तो नाजाओ कहता है कि क्या तुम फिर से मेरी एक बार मदद कर सकती हो, जिस पर जिन्शी हाँ कह देती है और बोलती है कि आखिरी बार होगा। जिन्शी अब नाजाओ के घर आती है और उसके पास अभी तक उन दोनों के फोटोज देखकर वो काफी खुश होता है। फिर जब मदर घर में आती है तो वो उन दोनों से पूछती है कि तुम अचानक यहाँ पर क्यों मूव हो गए। तो नाजाओ कहता है कि ये घर ऑफिस से पास है और जिन्शी को भी ये जगह काफी पसंद है क्योंकि यहाँ आसपास काफी रेस्टोरेंट है। तो जिन्शी बोलती है कि ये घर तो मेस जेन का है और हम लोग यहाँ पर रेंट पर रहते हैं। अब उनके अलग अलग जवाब सुनकर मदर को उन पर शक तो हो जाता है, इसलिए वो जिन्शी से पूछती है कि पास में यहाँ पर कौन सा रेस्टोरेंट है, चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं क्योंकि मुझे काफी भूख लगी है। पर जिन्शी को तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो नाजाओ बोलता है कि हाँ यहाँ पर पास में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो हम वहाँ पर खाने के लिए चलते हैं। रेस्टोरेंट में मदर देखती है कि जिन्शी और नाजाओ एकदम चुपचाप बैठे हुए थे। तो मदर बहाना करती है कि मैं आज काफी थक गई हूँ इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि आज तुम्हारे घर पर ही रुक जाऊँ। जो सुनकर नाजाओ कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, पर जिन्शी उसे घूरने लगती है। अब मदर के यहाँ से जाते ही नाजाओ जिन्शी को कहता है कि प्लीज तुम मेरी आखिरी बार मदद कर दो। घर जाकर जिन्शी नाजाओ से कहती है कि अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मैं अब तुम्हारे साथ एक ही रूम में नहीं सो सकती। जिनकी ये सारी मदर पास में खड़े होकर सुन रही थी। नाजाओ बोलता है कि मैंने आज ही तुम्हारा लेटर पढ़ा और मुझे लगता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैंने उन शेयर्स की वजह से तुम्हें प्रपोज किया था। तो जिन्शी बोलती है कि हाँ तुमने इसी वजह से तो मुझे प्रपोज किया था। अब इससे पहले कि नाजाओ कुछ बोल पाता मदर यहाँ पर आ जाती है और नाजाओ को उनके साथ सुपरमार्केट चलने को कहती है। बाहर जाकर मदर नाजाओ से बोलती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो गया है इसीलिए सच सच बताओ कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। नाजाओ बताता है कि पिछले कुछ समय में कंपनी पर काफी मुसीबतें आई इसलिए मैं काम में काफी बिजी रहता था। तो जिन्शी को ऐसा लगा कि मैं उसे नेग्लेक्ट कर रहा हूँ। मदर बोलती है कि हाँ बिल्कुल उसे तो ऐसा लगी गई, तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए था। फिर नाजाओ कहता है कि शायद उसे मिस जिन और मेरे रिलेशनशिप को लेकर भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मदर कहती है कि ये बात तो मुझे पहले से ही पता है कि जिन तुम्हें पसंद करती है और उसने भी जरूर जिन्शी के मन में शक पैदा करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक्स यूज की होगी इसीलिए तुम्हें उसे दूर रहना चाहिए था। फिर नाजाओ कहता है कि और उसे शायद ये भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कि मैंने उसे उसके शेयर्स के लिए प्रपोज किया था। मदर नाजाओ से पूछती है कि क्या तुम मूव ऑन कर चुके हो। तो नाजाओ ना में जवाब देता है इसलिए मदर कहती है कि अब मैं जैसा कहूंगी तुम वैसा ही करना। अगली सुबह अपनी मदर के कहने पर नाजाओ जिन्शी का फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाता है और उसकी बहुत केयर करता है, जो देखकर जिन्शी को काफी अच्छा लगता है और वो मुस्कुराने लगती है। फिर वो उन दोनों को और करीब लाने के लिए कमर दर्द का बहाना करती है और वो जिन्शी से बोलती है कि अगर तुम आज फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ हॉट स्प्रिंग चलोगी। अब इससे पहले कि जिन्शी कुछ बोल पाती नाजाओ हाँ कर देता है, जो देखकर जिन्शी उसे घूरने लगती है। जिसके बाद ये लोग रिजॉर्ट पहुंचते हैं जहाँ ये दोनों जब अपने रूम में जाते हैं तो रूम को काफी सजा धजा देखकर जिन्शी को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। नाजाओ अब यहाँ उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं जब तुम्हारे साथ था तो मैं सिर्फ अपने काम के बारे में ही सोच रहा था और मैंने कभी तुम्हारे लिए सरप्राइजेस वगैरह नहीं प्लान किए, लेकिन अगर तुम मुझे एक चांस दोगी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस प्लान करूंगा। जिन्शी बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि इस सब के लिए काफी देर हो चुकी है और मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी मदर के कहने पर आई हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चली जाती है।
जिसके बाद मदर हॉट स्प्रिंग लेते हुए जिनशी को बताती है कि मुझे तुम दोनों के ब्रेकअप के बारे में सब कुछ पता है, और ये सारी बातें नानजो भी सुन रहा था। मदर कहती है कि नानजो तुमसे उन शेयर्स के लिए शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि वो तो अपने फादर की विल के लिए तुमसे शादी करना चाहता था, पर बाद में उसे सच में तुमसे प्यार हो गया और वो अब सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता है। तुमने उसे लाइफ को जीना सिखाया है, लेकिन जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तब से नानजो फिर से अकेला फील कर रहा है। ये सारी बातें सुनकर जिनशी को फील होने लगता है कि उसे नानजो के साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, और अब जैसे वो पानी से बाहर आ ही रही थी तभी उसका सर चकराने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है, जो देखकर मदर नानजो को पुकारती है। नानजो भी भागता हुआ आता है और जिनशी को वहां से निकालकर रूम में ले जाता है, जहाँ जैसे ही जिनशी को होश आता है नानजो कहता है कि मैं यहीं पर बैठा हुआ हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अब चेकअप करते वक्त नानजो जिनशी से कहता है कि मैं तुमसे उन शेयर्स की वजह से नहीं बल्कि अपने फादर की आखिरी विश की वजह से शादी करना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे तुमसे प्यार हो गया और मैं अपनी फादर की इस विश के लिए ग्रेटफुल हूँ कि उनकी विश की वजह से मैं तुमसे मिला और मुझे तुमसे प्यार हो गया। पर जिनशी यहाँ उसे कुछ भी जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनशी काम करते करते नानजो के घर पर ही सो जाती है, तो नानजो उसके पास आकर उसे अपना कोट उड़ा देता है और उसकी फॉरहेड पर किस करता है, पर तभी जिनशी की आँख खुल जाती है। पर जिनशी उसका कोट वापस करके घर जाने लगती है तो नानजो बोलता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। जिनशी कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तो नानजो कहता है कि अब तुम हमारी कंपनी के साथ काम कर रही हो, इसीलिए तुम ये तो एक्सेप्ट कर ही सकती हो। इसके बाद नानजो जिनशी को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पहुँच कर नानजो कहता है कि मैं उस वक्त तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, लेकिन कंपनी में काफी सारे इश्यूज चल रहे थे और मुझे लग रहा था कि मैं हार गया हूँ। जिनशी बोलती है कि तुम ये सारी चीजें मुझे अब क्यों बता रहे हो। नानजो कहता है कि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे और गलत समझो। मैं मानता हूँ कि उस वक्त मैं काफी सेल्फिश हो गया था और सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोच रहा था, पर मैं ये भी नहीं चाहता था कि तुम मेरे साथ मेरी प्रॉब्लम्स को फेस करो, और मैं तुम्हें खुद से अलग होता हुआ नहीं देख सकता, और मुझे पता है कि तुम भी यही चाहती हो, इसीलिए हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। पर जिनशी ये कहकर चली जाती है कि मुझे अभी सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। उसके जाने के बाद यहाँ पर जुआन आता है, जो कहता है कि मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। तो नानजो कहता है कि मैं जिनशी से बहुत प्यार करता हूँ। जुआन कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखोगे, इसीलिए गिव अप मत करना। ये बोलकर वो चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि येन एक एनिमेशन समिट अटेंड करने के लिए दूसरी सिटी में जा रहा था। असल में नानजो ने उसे जानबूझकर वहां पर भेजा था ताकि वो ऑफिस में जिनशी के साथ टाइम स्पेंड कर सके, पर तभी उसे पता चलता है कि जिनशी भी उस समिट में गई हुई है। यहाँ तो उसकी चार उस पे ही भारी पड़ गई थी। नानजो अब अपने कैबिन में जाकर जियांग से वहां के लिए एक फ्लाइट और होटल बुक करने के लिए बोलता है, जो सुनकर जियांग कहता है कि भला आप वहां पर क्यों जाना चाहते हो। तब नानजो कहता है कि जिनशी को भी उसके ऑफिस वालों ने वहां पर भेजा हुआ है, जो सुनकर जियांग सब कुछ समझ जाता है और भागकर उसके लिए फ्लाइट और होटल बुक करने के लिए जाता है, और बेचारा नानजो अपनी गलती पर काफी पछता रहा था। दूसरी तरफ जिनशी समिट वाली जगह पर पहुंच जाती है, जहां वो यिन से मिलती है और दोनों साथ में एक फोटो क्लिक करते हैं। फिर हम नानजो को एयरपोर्ट पर वेट करता हुआ देखते हैं, तभी वो जिनशी और इनकी फोटोग्राफ को सोशल मीडिया पर देखता है, जिसे देखकर उसे काफी जलन होती है, और वो जियांग को कॉल करके 2 बजे से पहले वाली फ्लाइट्स बुक करने के लिए कहता है। जियांग उसे देखकर बताता है कि 2 बजे से पहले वाली फ्लाइट में सिर्फ इकोनॉमिक क्लास खाली है, तो नानजो उसे वही बुक करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि नानजो काफी धक्का मुक्की करने के बाद इकोनॉमिक क्लास वाली फ्लाइट में पहुंच जाता है, जहां सर्वाइव करने के लिए उसने फिर से काला चश्मा पहना हुआ था और बच्चे उसे काफी तंग कर रहे थे, लेकिन वो किस तरह से कंट्रोल करता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं इन जिनशी को उसे दूर ना ले जाए। जिसके बाद हम जिनशी और इनको समिट में देखते हैं, जहाँ इन उसे बताने लगता है कि पहली बार जब तुमने मुझे अपने असिस्टेंट बनने के लिए बुलाया था तब मुझे उस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब मैंने तुम्हारा काम के लिए डेडिकेशन देखा तो मैंने अपना मन बदल लिया। फिर वो उसे कहता है कि तुमने मेरी लाइफ बदल दी, जब भी तुम मेरे आसपास होती हो मुझे काफी अच्छा लगता है, और जब भी काम के लिए हम दोनों पूरा दिन साथ रहते थे तो वक्त का पता ही नहीं लगता था कि टाइम कैसे गुजर रहा है। अब यहाँ वो अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो बोल देता है कि जिनशी आई लव यू, जो सुनकर जिनशी तो एकदम शॉक में उसे देखने लगती है, पर ये बोलकर वो हंसने लगता है, तो जिनशी भी हंसने लगती है और वो सोचती है कि इन उससे मजाक कर रहा था, और बेचारा इन तो ये सोचकर ही खुश था कि वो अपनी फीलिंग्स को उसके साथ कन्फेस कर पाया। तभी वहाँ फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं और वो दोनों उसे देखने लगते हैं। फायरवर्क्स देखते देखते जिनशी उस दिन के फाउंटेन शो को याद करने लगती है और सोचती है कि उस दिन शायद नानजो मुझसे कुछ कहना चाहता था, जो सुनकर इन कहता है कि तुम अभी भी उससे मूव ऑन नहीं कर पाई हो ना, और क्योंकि ये बात सच थी तो जिनशी अपना सर नीचे कर लेती है। तभी इन नानजो को उनकी तरफ आते हुए देखता है, इसलिए वो जिनशी को गले लगा लेता है, जो देखकर जिनशी कहती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, तो इन उसे चुप रहने के लिए बोलता है। अब नानजो का तो उन दोनों को इस तरीके से देखकर मुंह ही लटक गया था, तो वो जिनशी को आवाज लगाता है। जैसे ही जिनशी पीछे मुड़ती है तो इन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि अरे वाह क्या कोइंसिडेंस है, मिस्टर नानजो आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, और वैसे हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये बोलकर वो जिनशी का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है।
पर जिनशी पीछे मुड़कर नानजो को देखती है और जब वो उसे अपने पीछे नहीं पाती तो वो इनसे हाथ छुड़ाकर नानजो को ढूंढने के लिए उसकी तरफ भागती है। अब उसे ऐसे करता हुआ देख इन मुस्कुराने लगता है क्योंकि शायद ये सब उसने जानबूझकर किया था। वहीं जिनशी अब भागते भागते नानजो को ढूंढने लगती है लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। अब जब वो थक कर एक जगह रुकती है तभी नानजो उसके पीछे काफी सारे बलून लेकर आता है और उसका नाम पुकारता है। नानजो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे साथ रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है लेकिन जब तुम मेरे साथ होती हो तो मुझे अपने अंदर काफी चेंजेस फील होते हैं। मुझे भीड़ भाड़ वाली जगहों से भी कम डर लगता है। नानजो कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकता। ये कहकर वो उसे आई लव यू बोलता है और अब जिनशी भी अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर पाती इसलिए वो उसे हक कर लेती है जो देखकर वहाँ खड़े हुए सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अगले दिन नानजो इनको अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे और जिनशी के प्लान के बारे में पता चल गया था। यिन कहता है कि मेरा प्लान ये तो आपको जिनशी से दूर करना था और उसके प्लान बी के बारे में हमें एक फ्लैशबैक से दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि समिट में जब यिन ने जिनशी को हक किया था तब उसने उसे कहा था कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं तुम्हें नानजो से मिलाने में मदद करूंगा। और वहाँ उसने जो कुछ भी किया वो उन दोनों को जानबूझकर भड़काने के लिए किया था ताकि उन दोनों की फीलिंग्स बाहर आ सके। जिसके बाद नानजो जिनशी को अपने रूम में बुलाता है। जैसे ही वो वहाँ आती है तो नानजो उसे हक कर लेता है जो देखकर जिनशी बोलती है कि हमने तो डिसाइड किया था ना कि हम अपने रिलेशनशिप को ऑफिस में सीक्रेट रखेंगे तो क्या हमें इस रूल को चेंज कर देना चाहिए। नानजो कहता है कि अपने ही बनाए हुए रूल को चेंज करने का मतलब है कि अपने कार पर थप्पड़ मारना। जो सुनकर जिनशी थोड़ी नाराज हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है तो नानजो उसे खींच के टेबल की तरफ लाता है और उसे किस करने लगता है। इसी बीच जिनशी का हाथ गलती से एक रिमोट पर लग जाता है जिससे उनके कैबिन के कर्टेंस खुल जाते हैं और सारे एम्प्लॉयज उन्हें किस करते हुए देखने लगते हैं। अब जैसे ही जिनशी आँख खोलती है तो देखती है कि सभी लोग उन्हें देख रहे हैं तो वो नानजो को दूर कर देती है और ये दोनों शर्मा कर पीछे मुड़ जाते हैं। तभी इनके पीछे जियांग आता है जो ऑफिस का छठा रूल हटा देता है और कहता है कि अब से कोई भी किसी भी रिलेशनशिप में आ सकता है। अब कहानी 6 महीने आगे जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि नानजो को लेग सिंगलिंग के लिए एक अवार्ड मिलने वाला था। तभी नानजो की आवाज आती है जो कि जिनशी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा था पर क्योंकि उसके रूम में लगा हुआ स्पीकर ऑन था इसीलिए उसकी बातें सभी को सुनाई दे रही थी। जो देखकर जिनशी भागते हुए उसके पास जाती है और स्पीकर बंद कर देती है और उसे बोलती है कि ऐसे भला कौन प्रपोज करता है एक अवार्ड सेरेमनी है, मैं तो ऐसे प्रपोजल को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि नानजो जिनशी को प्रपोज करने के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह लेकर जाता है जहाँ आसपास काफी सारे फूल थे और उसके बीच में वो उसे प्रपोज करते हुए कहता है कि जिनशी तुमने मेरी लाइफ बदल दी, तुमने मेरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी ठीक कर दिया, मैं अब तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगा। पर अब जैसे ही वो अपनी पॉकेट से रिंग निकालता है तो वो नीचे गिर जाती है जो देखकर नानजो उठता है और कहता है कि नहीं नहीं मैं फिर से करूंगा। इसीलिए वो दोबारा से अंदर से आता है और घुटनों पर बैठकर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो जिनशी मान जाती है। अब नानजो उसे रिंग पहनाता है और दोनों किस करते हैं। फिर नानजो जिनशी को गिफ्ट देने के लिए उसे उसके पुराने घर पर लेकर जाता है जो देखकर जिनशी काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि मैं और मेरा भाई इस घर को हमेशा से खरीदना चाहते थे पर तुमने मेरे लिए कर दिया इसलिए बहुत बहुत थैंक यू और पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी। तो नानजो कहता है कि तुम बस हमेशा मेरे साथ रहना और खुश रहना, मेरे लिए इतना ही काफी होगा। ये बोलकर वो उसे किस करने वाला था पर तभी वहाँ पर उसके ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज आ जाते हैं और उनके साथ साथ उसकी मदर भी आती है जो कि अपने साथ वेडिंग प्लानर को लेकर आई थी और वो उन लोगों को कहती है कि शादी यहीं पर होगी इसलिए इस घर को अच्छे से डेकोरेट कर देना। तभी यहाँ पर जुआन और सू भी आते हैं और जुआन नानजो को इस घर को खरीदने के लिए थैंक यू बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनशी और नानजो की शादी हो गई है। जिनशी सुबह सुबह अपना ऑर्डर किया हुआ फूड लेने के लिए जाती है। अब क्योंकि उसने सिर्फ शर्ट पहनी हुई थी तो नानजो उससे पूछता है कि क्या तुम ऐसे डिलीवरी लेने के लिए गई थी, देखो तुम्हारी शर्ट के बटन भी ठीक से नहीं लगे हुए हैं। ये बोलकर वो उसकी शर्ट को अनट्रेस करने लगता है तो जिनशी उसे रोकते हुए बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। नानजो उसे बेड पर गिरा देता है और कहता है कि अभी तो वीकेंड है और क्योंकि तुमने मुझे उठाया है तो इसीलिए तुम्हें कंपनसेट करना पड़ेगा। ये बोलकर वो उसे किस करने लगता है जहाँ हम देखते हैं कि जिनशी अब हेलो मिस्टर गू नाम के एक कॉमिक पर काम कर रही है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।